नमस्कार दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की क्यों हार हुई, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में नेताओं ने जो जो बातें बताई हैं, उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल आपको बता दे, हरियाणा में कांग्रेस को अप्रत्याशित हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस की सोच के बिल्कुल उलट आए। हालांकि एग्जिट पोल के उलट भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और बड़े बड़े एग्जिट पोल फेल हो गए। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए, लेकिन उसके साथ साथ कांग्रेस ने हरियाणा में क्यों हार मिली, क्या क्या वजह थी, इसको जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया था। अब उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। इसमें हार के प्रमुख कारण भी निकल कर सामने आए हैं। इसमें गुटबाजी, भितरघात, बागी नेताओं को नजरअंदाज करना, जिससे उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर कांग्रेस के वोट काटे, वरिष्ठ नेताओं के बीच तालमेल की कमी, कुमारी शैलजा को चुनाव न लड़ाने से 10 से 15 सीटों का नुकसान, उनकी नाराजगी और प्रचार से दूरी ने दलित वोटों को प्रभावित किया, जाट वोटों के ध्रुवीकरण से अन्य जातियों में गलत संदेश गया, कुछ प्रत्याशियों ने ईवीएम की बैटरी पर भी संदेह जताया। बता दें, 53 हारे हुए कांग्रेस प्रत्याशियों से कमेटी ने 1-to-1 मीटिंग की है। कांग्रेस हाईकमान ने इसके लिए 2 मेंबरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी शामिल हैं। कमेटी ने चुनाव हारे उम्मीदवारों से 4 तरह के सवाल पूछे, जिसके बाद कमेटी ने इसकी लिखित रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ईवीएम से ज्यादा चुनाव के बीच तालमेल की कमी और गुटबाजी की वजह सामने आई। हालांकि कमेटी मेंबर इसके बारे में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नेताओं और उम्मीदवारों से जो 4 सवाल कमेटी ने पूछे थे, उसने पहले कि आप चुनाव में हारे, इसकी वजह क्या रही, दूसरा आपकी विधानसभा में किन किन नेताओं ने दौरे किए, तीसरा कौन सा स्टार प्रचारक आपके क्षेत्र में आया, आपने किसे बुलाया था, चौथा चुनाव में ईवीएम का क्या रोल रहा, आपने किससे शिकायत की। ये 4 सवाल पूछे गए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को। हिसार के 3 उम्मीदवारों ने इस पर क्या बताया। इस पर राम बिलास घोड़ेला ने कहा कि भितरघात से चुनाव हारे। बरवाला से कांग्रेस उम्मीदवार रहे राम बिलास घोड़ेला ने कहा कि गुटबाजी के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। मेरी विधानसभा में राहुल गांधी का दौरा रहा, मगर कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने रैली के तुरंत बाद बयान दिया कि होर्डिंग पर मेरी फोटो नहीं लगाई, जनता इसका बदला लेगी। उस बयान का भी असर रहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने खुलकर बगावत की, इनेलो नेता संजना सातरोड को वोट डलवाए, कार्यकर्ताओं को फोन कर कहा कि राम निवास को वोट नहीं देने, भितरघात के कारण हम चुनाव हारे। वहीं दूसरा राम निवास राणा ने कांग्रेस नहीं कांग्रेस को हराया, यह कारण बताया। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी राम निवास राणा ने कहा कि कांग्रेस नहीं कांग्रेस को हराने का काम किया। हिसार के 7 से 8 नेताओं ने भितरघात किया। उन्होंने कहा कि यह नेता हरियाणा के एक गुट से जुड़े नेता हैं। मेरी मदद सिर्फ कुमारी शैलजा ने की। मैं उन नेताओं के घर 2 से 3 बार मदद मांगने गया, मगर मेरा टाइम खराब किया। उन्होंने कहा कि 3, 4 और 5 अक्टूबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खूब टेलीफोन घुमाए और उनका एक ही इशारा था कि राम निवास राणा को हराओ, सावित्री जिंदल को जिताओ। मैंने प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अशोक गहलोत के दौरे के लिए अप्लाई किया था, मगर यहाँ के सीनियर नेताओं ने किसी स्टार प्रचारक का दौरा नहीं होने दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 6 ईवीएम ऐसी मिली जिसकी बैटरी 99% चार्ज थी। वहीं तीसरे उम्मीदवार अनिल मान ने बताया कि हम भितरघात से चुनाव हारे। नलवा विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अनिल मान ने बताया कि भितरघात के कारण हम चुनाव हारे। संपत सिंह जैसे सीनियर नेताओं ने टिकट नहीं मिलने के कारण भितरघात किया। उन्होंने बताया कि संपत सिंह ने भाजपा उम्मीदवार रणधीर पनिहार को वोट डलवाए। साथ ही उन्होंने ईवीएम को भी अपने हार का कारण बताया। उन्होंने कहा कि कई ईवीएम ऐसी थी जिनकी बैटरी 99% चार्ज थी, अगर यह सब चीजें ना हो रही होती तो चुनाव जीत सकते थे। तो वहीं कांग्रेस के एक अन्य उम्मीदवार ने कहा कि जाट विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, जिसके कारण उनकी हार हुई। कांग्रेस उम्मीदवार ने कहा कि भाजपा ने जाटों को लेकर एक ऐसा माहौल बना दिया जो दूसरी जगहों पर मुसलमानों के खिलाफ होता है।
दूसरी जातियों को कहा गया कि अगर कांग्रेस जीती तो सब कुछ जाटों के हाथ में चला जाएगा। मैं इससे प्रभावित हुआ। ज्यादा नुकसान तब हुआ जब राहुल गांधी के मंच पर रहते हुए भी भूपेंद्र हुड्डा ने मेरे लिए वोट नहीं मांगे। इससे जाटों में यह मैसेज गया कि हुड्डा मेरे समर्थन में नहीं है, उन्होंने मुझे वोट नहीं दिए। दूसरे समुदाय ने ध्रुवीकरण की वजह से मुझे वोट नहीं दिए और मैं हार गया। वहीं एक उम्मीदवार ने बड़े नेताओं के दौरे का पता नहीं होता था, इसको भी हार का एक बड़ा कारण बताया। एक उम्मीदवार ने कमेटी को बताया कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दौरे के बारे में हमें पता ही नहीं होता था। हम समय पर उनके दौरे के बारे में लोगों तक बात नहीं पहुंचा पाते थे। इस वजह से कांग्रेस के हक में जो माहौल बनना चाहिए था वह नहीं बन पाता था। उन्होंने बताया कि इस बारे में लालू यादव के समधी और रेवाड़ी से उम्मीदवार चिरंजीव राव के पिता पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव भी कह चुके हैं। वहीं एक अन्य उम्मीदवार ने बताया कि चुनाव के बीच हरियाणा की प्रदेश कांग्रेस कमेटी से संपर्क ही नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बताया कि वह न तो आम वर्करों के लिए पहुंच में थे और न ही उनसे फोन पर बात हो पा रही थी। उम्मीदवारों ने प्रदेश कांग्रेस को हार का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि उनकी तुलना में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं से बात करना आसान था। हालांकि कांग्रेस ने 20 विधानसभा सीटों में ईवीएम की बैटरी में विसंगतियों को भी हार का जिम्मेदार बताया है। हालांकि हार के कारणों का पता लगाने वाली कांग्रेस की इस कमेटी ने लिखित रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब ये कांग्रेस हाई कमान को सौंपी जा सकती है और रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या निकल कर सामने आता है यह जानना काफी दिलचस्प होगा। बहरहाल हरियाणा में हार का पता लगाने में कांग्रेस की टीम जुटी हुई है, लेकिन अब कांग्रेस कोशिश कर रही कि ये सब गलतियां महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में न हो। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सबसे पुरानी पार्टी वो गलती नहीं करना चाहती है जो उससे हरियाणा विधानसभा चुनाव में हुई, जिसके चलते उसे हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक के कई सहयोगियों ने कहा था कि कांग्रेस के अति आत्मविश्वास के कारण उसे यह जोखिम उठाना पड़ा और जीती हुई बाजी कांग्रेस हार गई। यही वजह है कि 20 नवंबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सावधानी से कदम उठाती दिख रही है। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि वह हरियाणा में की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहती। ऐसा ही एक संकेत तब मिला जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी AICC ने हाल ही में महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में 11 वरिष्ठ पर्यवेक्षकों और राज्य के लिए 2 वरिष्ठ समन्वय की नियुक्ति की। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ऐसे राज्य में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती जहां उसका दलित मुस्लिम वोट आधार मजबूत है और जहां उसने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में 13 सीटें मिली थी जो राज्य में सभी दावेदारों में से सबसे अधिक है, जबकि भाजपा और शिवसेना UBT ने 9-9 सीटें जीती थी। महाराष्ट्र में काम करने की जिम्मेदारी संभाल रहे एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का कहना है कि महाराष्ट्र में हमारी समस्याएं हरियाणा से अलग हो सकती हैं, क्योंकि हमारे पास भूपेंद्र हुड्डा जी जैसा कोई बड़ा नेता नहीं है जो वहाँ चुनाव प्रचार संभाल रहे थे, लेकिन सहयोगी दलों को खुश रखना और सीट बंटवारे पर दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। उनका बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शिवसेना UBT उन सहयोगियों में से थी जिसने कहा था कि कांग्रेस को और अधिक समायोज्य होना चाहिए। एक अन्य नेता का कहना है कि जिन्होंने महाराष्ट्र में पहले ही प्रचार कार्य शुरू कर दिया है, उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट आवंटन के लिए वस्तुनिष्ठ पद्धति का पालन करेगी। नेता ने कहा कि हम टिकट का निर्धारण शीर्ष नेताओं से संबंध के आधार पर नहीं होने देंगे, जैसा कि हरियाणा में हुआ। एकमात्र मानदंड उम्मीदवार की जीत की संभावना होगी और जिन लोगों को राज्य में टिकट नहीं मिल पाए उन्हें AICC के शीर्ष नेतृत्व द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुभ्रांश कुमार राय ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में कांग्रेस जिस सबसे बड़े मुद्दे पर भरोसा करेगी वह भ्रष्टाचार और शिंदे सरकार द्वारा चुराया हुआ जनादेश होगा, जिसने जून 2022 के विद्रोह का जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली अविभाजित शिवसेना को विभाजित कर दिया। बहरहाल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में इस बार MBA और NDA के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको महाराष्ट्र की सभी 280 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में वोटिंग होगी। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। हालांकि झारखंड में 2 फेज में चुनाव होंगे। पहला फेज 13 नवंबर को होगा,
और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी। परिणाम 23 नवंबर को ही आएंगे, यानी महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम भी आएंगे। अब इन दोनों राज्यों में इस बार क्या होता है, कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होती है, यह तो 20 नवंबर को ही पता लग पाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है, आप अपने राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।